दोस्तों नमस्कार, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार माय डिफेंस, वेलकम बैक एफएससी। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूं फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर, फायर एंड सेफ्टी को लेकर। देखिए उस इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेफ्टी को लेकर। और देखिए आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप कहीं भी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको देखिए इस सेफ्टी वर्ड के साथ आपका कहीं ना कहीं नाता जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, चाहे आप फायर डिपार्टमेंट में करें या सेफ्टी में करें या आप सिक्योरिटी में करें या अकाउंट्स में करें या और कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कहीं भी काम करें, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि फायर सेफ्टी के अंदर एक सेफ्टी वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है। जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि देखिए सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो देखिए यहां पर एस ए एफ ई टी बाय, देखिए यहां पर हो सकता है कि आपको कम दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं बोलूंगा साथ के साथ तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर सेफ्टी, इसमें देखिए कितने वर्ड्स हैं, लेटर एक दो तीन चार पांच छह लेटर के अंदर पूरा सेफ्टी है। नंबर वन देखिए यहां पर बात करेंगे एस, एस मतलब देखिए सर्च फॉर हजार्ड्स, सर्च फॉर हजार्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर हजार्ड्स क्या होता है कि ये आपने सर्च करना है इसके अनुसार के। देखिए हमने जब देखिए यहां पर खतरों का अंदाजा लगा लिया, हमने ढूंढ लिया कि तब यहां पर इसमें खतरा है जो भी हमारा वर्क प्लेस है वहां पर, ठीक है। दूसरा चलेंगे देखिए ए, अब देखिए ए मतलब क्या होता है आपका, ए मतलब है आपका एनालिसिस द रिस्क, ठीक है। तो देखिए यहां पर एनालिसिस, एनालिसिस द रिस्क, अब देखिए आपने यहां पर रिस्क को एनालिसिस कर लिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे देखिए एफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर इसको अपन डिफाइन करके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर बात करूंगा एफ, अब देखिए फाइंड द कॉज, अब देखिए यहां पर आपको फाइंड द कॉज, अब देखिए यहां पर आपने अब कारणों का पता लगा लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपने हजार्स को यहां पर सर्च किया, ये हजार्स से क्या आपको खतरे रहेंगे, अब ये हजार्स अब यहां आपने अपने कॉज ढूंढ लिया, कारण क्या था इस हजार्स का, क्लियर है। आगे चलेंगे ई, अब देखिए ई का मतलब होता है यहां पर एलिमिनेट द कॉज, एलिमिनेट द, अब देखिए यहां पर इन दो शब्दों का, अब देखिए इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है भाई, हमें यहां से हटाना पड़ेगा ना। हजार्स को हमने ढूंढा, क्या उसके खतरे हैं, फाइंड द कॉज मतलब कारण ढूंढ लिए, अब इन कारणों को कि भाई क्या है, किस कारण से हुआ, उसको अपन यहां से एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर है। फिर आगे चलेंगे देखिए यहां पर टी, अब देखिए टी मतलब आपका यहां पर हो गया टेल अदर्स, मतलब आप सभी को बताओगे, आप इसकी इसके बारे में सभी को बताओगे क्योंकि वहां पर जो जो लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है। फिर आगे चलेंगे देखिए बाई, बाई मतलब यू आर सेफ, क्लियर है, दिखाई दे रहा है यू आर सेफ। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बार फिर ये पूरा बताता हूं, एस ए एफ ई टी बाई, ठीक है, सर्च फॉर हजार्स ढूंढ लिया साहब, यहां पर हमने खतरे क्या क्या है हजार्स को ढूंढ लिया, एनालिसिस कर लिया, ठीक है, एनालिसिस के बाद देखिए फाइंड द कॉज पता चल गया, एलिमिनेट इनको हटाएंगे और दूसरी सबको यहां पर अपन बताएंगे और देखिए उसके बाद अपन सेफ है। ये सेफ्टी वर्ड का मीनिंग, आपको हजारों मीनिंग मिलेंगे सेफ्टी के, लेकिन सेफ्टी फायर और सिक्योरिटी के अगर नजरिए से मैं देखूं तो ये जो इसकी फुल फॉर्म बनती है वो ये फुल फॉर्म बनती है, क्लियर है। अब अगले टॉपिक में जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें मैं लूंगा सेफ को, ठीक है। सब्सक्राइब करो दोस्त चैनल और सभी को वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखिए मैं अगले वीडियो में सिर्फ सेफ आपका एस ए एफ मतलब इन चार लेटर्स को लेने वाला हूं, चार लेटर्स को लेकर जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो कि आपके फायर सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इस लेटर्स को हम खोल के आपको बताएंगे। फिर आते हैं अपडेट के साथ, बढ़ती विज्ञापन के साथ या इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।